नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राम माहौर आपके सामने। मैं कुछ एक नया टॉपिक आपके सामने आज लेकर आया हूँ। मैं कोई फिलोसफर तो नहीं, मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं, पर कुछ ऐसे थॉट्स जो आपकी लाइफ को टच करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, आपके सबसे बड़े डर को निकालते हैं। तो एक ऐसी बुक, बहुत अच्छी बुक जिसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया, कुछ बहुत अच्छा सिखाया, लोक व्यवहार में कुशलता। इसकी कीमत केवल 50 रुपीज है और 47 पेज है। बट अगर अपने जीवन में हमने एक पेज को भी अपने जीवन में उतार लिया, आई एम श्योर आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो आज मैं लोक व्यवहार में कुशलता के दूसरे नंबर वाले पार्ट के बारे में चर्चा करूंगा। ये पार्ट है मानवीय अंतर्दृष्टि, ज्ञान संचय के रास्ते। हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? यस। बचपन से लेकर हम आज जिस भी स्टेज पर हैं, चाहे हम रिटायरमेंट पर हों या वर्किंग स्टेज पर हों या स्टूडेंट स्टेज पर हों, हम हर स्टेज पर लर्न करते हैं, बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि हम जो लर्न करते हैं या हम जो पढ़ते हैं, वो हम कितने समय तक याद रखते हैं और उसकी क्या टेक्निक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत पढ़ाई करते हैं, बट आज पढ़ा कल भूल जाते हैं, परसों भूल जाते हैं। क्या ऐसा करें कि हम उसको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज कर सकें, लंबे टाइम तक याद रख सकें? ये हर किसी के लिए साथ होता है। हमारे पेरेंट्स भी बच्चों को डांटते हैं, बैठो चलो पढ़ाई करो, बैठाते हैं, जबरदस्ती डांटते हैं, बट बच्चों का माइंड उस चीज में नहीं होता है। तो ऐसी कुछ आज मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ इस लेस गिवन की बुक के थ्रू, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही इंटरेस्टिंग है। इसने कुछ पार्टीशंस को डिवाइड किया हुआ है। इसका कहना यह है कि हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, तो हम उसका कुछ 10% ही अपने माइंड में रख पाते हैं। दैट्स श्योर, ये सही बात है। और आपने देखा भी होगा, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो आफ्टर दैट 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज बाद उसका कुछ पोर्सन ही हमारे माइंड में रह जाता है। बट आई कांट डिफाइन कि 10% होगा, 12% होगा, बट ये श्योर है कि हम कुछ पार्ट ही उसका याद रख पाते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को क्या किया है, सिर्फ पढ़ा है। तो सबसे बड़ी बात यह है 10% हम उस चीज को पढ़कर याद रख सकते हैं, और दूसरा पोर्शन दिया हमने 20% हम किसी भी चीज को सुनकर याद करते हैं। हमने कोई स्टोरी टाइप में हमको कोई चीज जब बताता है, जब उस पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो उसका 20% ही अपने दिमाग में रख पाते हैं। या फिर एग्जाम्पल हम टीचर का लें, जब टीचर हमको एक्सप्लेन करता है, तो पहली बात तो सबसे बड़ा दिमाग ये रहता है कि जब टीचर का नाम आता है, फैकल्टी का नाम आता है या किसी सिखाने वाले का नाम आता है, तो हमारा माइंड पहले ही डाइवर्ट हो जाता है, बोले यार हमको सुनना पड़ेगा। तो इट मींस, बड़े शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूं कि हम 50% तो पहले ही निगेटिव हो जाते हैं। इन शॉर्ट कहें तो हम कुछ बहुत सारी चीजों को केवल 20% सुनकर हम याद रख सकते हैं और 30% देखकर, और 30% उन सारी चीजों को हम देखकर ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। मतलब पढ़कर 10%, सुनकर 20% और देखकर विजुलाइज करके हम केवल 30% तक याद रख सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इतने परसेंट उस चीज को याद कर सकते हैं। 50% देखकर और सुनकर किसी चीज के बारे में उनको दिखाया जाए और सुनाया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक मूवीज के माध्यम से। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बोलते समय हम जो कर रहे हैं, तो वो 70% हमारे माइंड में रहता है। 70% इज दैट कि एक सबसे बड़ी बात ये होती है, जब किसी के सामने जब बोलने जाते हैं तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। प्रिपेयर मीन्स अपने हथियार तैयार रखने पड़ते हैं, सामने वाला पता नहीं क्या क्वेश्चनिंग करेगा, तो हमको उस चीज के लिए पढ़ना पड़ता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उन सब चीजों के लिए ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं। तो 70% पार्ट हमारा इससे कवर होता है। और एक बड़ा ही धांसु धमाकेदार पोर्शन है जिसमें 90% पोर्शन कवर होता है आपका, और वो पोर्शन है प्रैक्टिकल। मतलब हमने काम करते समय क्या किया। इट मींस, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। जब मैं किसी इंडस्ट्री में जाता हूं, सपोज मुझे फैन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा फैन में 3 ब्लेड्स हैं, एक मोटर है, एक वाइट और एक वायर है। इस तरह से मुझे कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट, जो मैंने बुक से रटा हुआ है। अगर मैंने इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखा होगा तो क्या इंपैक्ट जाएगा,
तो मैं फिर उन चीजों को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। दूसरी चीज, अगर मैंने उस सपोज इस फैन को असेंबल किया हो, असेंबल करके डिसेंबल किया हो और उन सारी चीज पार्ट्स को मैंने अपनी प्रैक्टिकली आंखों से देखा हो, तो उसके थॉट्स कुछ अलग ही आते हैं। इट मीन्स मेरा कहने का तरीका ये, मतलब ये है कि जब हम किसी चीज पर प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो उस चीज का थ्योरेटिकल, इवन थ्योरेटिकल पोर्शन तो स्ट्रांग होता ही है, इवन उसकी एक्सप्लेन करने की जो कैपेसिटी है बहुत बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो प्रैक्टिकली जिस काम को करते हैं उसमें 90% तक हम उसको याद रख सकते हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ इस माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था कि हम किसी चीज को मेमोराइज ना करें, खासकर स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उसको मेमोराइज ना करें, याद ना करें। याद आप एक टाइम तक रख सकते हैं, लंबे टाइम तक नहीं। ऑडियो ऑडियो के द्वारा भी हम उन सारी चीजों, सुनी चीजों को भी कुछ टाइम तक याद रख सकते हैं, पर जिन प्रैक्टिकल थॉट को हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं वो हमारे होल लाइफ हमारे दिमाग से नहीं जाते हैं। तो मेरा कोशिश ये है कि आप अपने थ्योरी को प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकें, आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकें, कैसे हम सारी टेक्निक्स को अपने माइंड में सेट कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, मानवीय अंतर्दृष्टि, मतलब हम लोगों को या हम खुद किसी भी चीज को लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकें। तो मुझे लगता है आपको मेरा टॉपिक काफी समझ आया।